एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया पिंडी रिंग रोड के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर ने आते ही उसमें मुलव्वज़ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कोई सीज डीसीज कमिश्नर जितने लोग मुलव्वज़ थे, फायर कर दिया। बहुत अच्छा काम किया उसके ऊपर। लेकिन जब उसको स्कैंडल की तफसील पढ़े तो रिंग रोड का कोई 65 किलोमीटर की स्ट्रेच थी जो बननी थी, तो जो इल्जाम की नोयत है एक प्राइम मिनिस्टर के वजीर के ऊपर, एक प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी मशीर के ऊपर, और रावलपिंडी इस्लामाबाद कराची और लाहौर में जिस प्राइवेट डेवलपर का सबसे तगड़ा नाम है, जो पाकिस्तान में जजेस जर्नलिस्ट और जनरल्स किसी को भी इम्प्लॉय कर सकता है, उनके भी मुंसलिक लोग जो थे उनको इस जो स्कैंडल है इसके अंदर जोड़ा गया। कहा गया कि 4 कर्नल जो हैं वो भी उनका भी नाम इसके अंदर आता है। कोई एक साहब किसी ने कहा जी कि वो बाबू नवाज हैं, मुझे मालूम नहीं बाबू नवाज कौन है, तो वो भी स्कैंडल के अंदर मुलव्वस है। किसी ने कहा तुकीर शाह का भी नाम आता है। तो बड़ा लंबा घपला लंबा है, छोटा नहीं है। 65 किलोमीटर सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं था जिसकी अलाइनमेंट चेंज की कि यूं बननी है या यूं बननी है, वो यूं सड़क को सीधी को अगर गुलाई में या जिगजैग को यूं यूं कर दें, दो हिस्से ऐसे थे जिन्होंने कवर किए, एक है मूरत अटक लूप और एक है पसवाल जिगजैग, और इसके अंदर 7-8 प्राइवेट ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कोड़ियों की थी। 10,000-20,000 मरला वाली जमीन जो थी वो 50-50 लाख रुपए की मरला जमीन बना दी इन्होंने, कनाल बना दी जमीन इन्होंने। वो जमीने कौन कौन सी है? नोवा सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, आसिफ हाउसिंग, टॉप सिटी, SCS डेवलपर्स, ब्लू वर्ल्ड, इस्लामाबाद कैपिटल हाउसिंग सोसाइटी। इस रिपोर्ट के अंदर जो मेरे सामने लिखा हुआ है कि टेन्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो इन प्राइवेट डेवलपर्स ने कमा लिए इसी मंसूबे के रद्दोबदल की वजह से। जो बराह रास्त कमिश्नर के ऊपर एलिगेशन है वो तो है कि 2.3 बिलियन इसने बड़े पावरफुल लोग जो मौजूदा, ये जो जुमला है बड़ा मजे का जुमला इन्होंने लिखा हुआ जी रिपोर्ट के अंदर, ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, कभी वाले भी मौजूद है उसके अंदर, जो इसके अंदर